नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव में इस बार रंग ढंग कुछ अलग है, अलग अलग पार्टियां हैं और जो राजनीति की बयार है कुछ अलग तरीके से इस बार बह रही है। वहां पर इस बार राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव एक तरफ झंडा बुलंद किए हैं तो दूसरी तरफ तीन बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना झंडा बुलंद किए हैं। इसी बीच चिराग पासवान भी आ गए हैं। वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, जाप पार्टी और विभिन्न तरीकों से वहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक अलग अंदाज दिखाई पड़ रहा है। बिहार के चुनाव में क्या रंग जम रहा है और क्या चीज होने जा रही है, कुछ इन्हीं चीजों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के दिग्गज और बहुत पुराने, बहुत अनुभवी, वरिष्ठ, बल्कि वरिष्ठतम नेता हुकुमदेव नारायण यादव। हम सीधे जुड़ते हैं हुकुमदेव नारायण यादव जी से। हुकुमदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, ईश्वर की कृपा से, काली माई की कृपा से स्वस्थ हैं। बहुत बढ़िया। हुकुमदेव जी, जिस तरीके से बिहार का चुनाव चल रहा है, आप भी पूरी नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं वहां पर यादव काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आप उस वर्ग को, बल्कि पूरे बिहार को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अनुभव है आपके अंदर। आप बताइए, बिहार का चुनाव किस तरीके से दिख रहा है आपको? मैं तो श्री बाबू के राज से लड़ते लड़ते और आज नीतीश कुमार के राज तक को देखा हूं। जी जी, अभी जो आपने कहा तेजस्वी का, तो तेजस्वी ने खुद नहीं, 95 से लेकर 2005 तक उनके माता पिता जी का जो शासन था उसको तो खुद तेजस्वी ही ने नहीं देखा। जी, तो जब वो ही नहीं देखा तो उसके साथ वाले जो नौजवान हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, उसने क्या देखा? बिल्कुल ठीक। तो जिसने देखा ही नहीं, जी, जिसने समझा नहीं, जिसने भोगा नहीं, जी, का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। मैं 90 में जब लालू प्रसाद यादव की प्रचंड शक्ति उभर रही थी, उस समय में लालू यादव के खिलाफ यादवों के बीच में झंडा लेके निकला था विरोध में। जी, और उस समय मेरे ऊपर क्या क्या नहीं जुलूम हुए, उसको मैं नहीं कह सकता। जानते हैं मिथिलांचल, दरभंगा, मधुबनी के लोग। जी, मधुबनी से मैं भारतीय जनता पार्टी में 96 से मधुबनी में चुनाव लड़ा हूं। जी, वहां तो गठबंधन ही था, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आरजेडी का। जी, और मैं उसी गठबंधन के खिलाफ लड़ करके और मधुबनी में चुनाव जीतते रहा। और आज डॉक्टर अशोक कुमार यादव उसी मधुबनी से 4,58,000 वोट से जीत के बिहार में प्रथम स्थान पाया है। बिल्कुल जी। आज जो लोग नीतीश के सभा में हुल्लड़बाजी करते हैं या सड़क पर मीडिया के सामने, जी, जरा उनके चेहरे को देखिए। जी, उन्होंने 5 तक के बिहार को देखा नहीं। जी, उन्होंने 5 के बाद 15 साल नीतीश के शासन को केवल देखा। जी, और अभी 6-7 साल से राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के शासन को देखा। जी, इनको उस राज का ज्ञान ही नहीं है जिस राज में निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, गरीब, इनको इंसान नहीं जानवर समझा जाता था। जी, आज तो इनको खुशहाल बिहार मिला है। मैं 77 में जब चुनाव लड़ा था पार्लियामेंट का और 67 में केवटी से असेंबली का, साहब हम, मेरे तो देह टूट जाते थे मोटरसाइकिल के पीछे चलने पर। जीप गाड़ी का चलना तो दुर्लभ था, कार का चलना कहा। आज मैं ही जब 2019 में चुनाव लड़ने गया था अपने डॉक्टर अशोक कुमार यादव का मधुबनी में, मैं एक मुख्य कंपेनर बन के था, क्योंकि धरती से मेरा संबंध है, मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं। जी, और मुझे गर्व है कि मैं
बिहार के सबसे प्रबुद्ध नागरिकों के क्षेत्र का प्रतिनिधि रहा जी, विद्वानों का जी। तो मैं घूम रहा था और जब मैं फर्स्ट क्लास अपनी गाड़ी पर बैठ के हर गांव तक पक्की सड़क से जाता था, हर घर में बिजली देखता था, अपने बच्चों को औरतों के चेहरे पर खुशहाली देखता था जी, उनके घर में जो गैस के चूल्हा पर जो बच्चे खाना खा रहे थे उनको देखता था, जब वो हंस के कहते थे हम लोग मोदी के साथ हैं, तब मुझे पता था, मैं जब चलने था तो रास्ते में बीच में आंख मूंद करके हाथ जोड़ के काली माई से ध्यान करके कहता था हे काली माई। जब मैं 77 में इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने आया था तो साइकिल से भी चलना कठिन था जी, आज उन सभी गांवों तक ये गाड़ियां जा रही है, ये कब हुआ है? ये अटल बिहारी वाजपेयी जब 2000 में प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को चलाए, ये सारे गांव पक्की सड़क से जुड़ गए, गांव की गलियां बनने लगी। 2005 तक सरकार के केंद्र सरकार की राशि खर्च नहीं होती थी, 5 के बाद जब नीतीश का शासन भाजपा का आया, केंद्र सरकार की राशि 100% उपयोग होने लगा, राज्य सरकार अपनी हिस्सा देने लगी और बिहार के रूपांतरण हुआ। तो आज जो अपने को नेता कहते हैं वे जाति वाले क्षेत्र में ही क्यों लड़ने जाते हैं जी, जहां उनके जात की सबसे ज्यादा संख्या है जी। तेजस्वी यादव राघोपुर ही क्यों लड़ने जाते हैं? न उनका जन्म स्थान है, न उनका ननिहाल है जी, कुछ नहीं जी। उनके बड़े भाई तेज प्रताप पिछली बार महुआ से जीते, इस बार हसनपुर से लड़ने गए हैं, समस्ती क्यों गए? क्यों गए? एक त्रिपाठी जी, नंबर एक मैं युवा वर्गों से कहना चाहता हूं जी, जिस नेता को अपने जाति के अलावे समाज के दूसरे जाति पर भरोसा और विश्वास नहीं है जी, अगर माई समीकरण वाले ये बनते हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है केवटी, वहां से जाते चुनाव लड़ने? बिस्फी है मधुबनी में, जाते तेजस्वी यादव तेज प्रताप लड़ने, तब हम देखते कितने इनके कलेजा में दम है। वहां तो हुकुमदेव नारायण यादव लड़के जीतता है, आज तक मुझे यादव समाज के वोट नहीं, यादव समाज समर्थन नहीं करता है तो हम कैसे जीतते हैं? दूसरी बात युवा पीढ़ी से कहूंगा, जो केवल अपने ही जाति के लोगों पर ही विश्वास करता है वो अपने जात का भी नहीं होता है, अपने जात का भी नहीं होता है जी, वो केवल अपने परिवार का होता है और अपना अपने लिए सोचता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी त्याग तपस्या हृदय की उदारता मस्तिष्क की व्यापकता सर्वग्राह्यता सर्वस्पर्शी जो दीनदयाल जी का था जी, इस नीति पर चल रहे हैं, इसलिए लोकप्रिय है। अब 6,000 रुपया जो किसानों को दिए, सबसे ज्यादा रुपया यादव के खाता में गया क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है ना बिहार में जी जी, और मुसलमान के खाते में गया, उनकी संख्या भी है जी। मोदी जी के जात के बनिस्पत यादव और मुसलमान तो 100 गुना ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको ज्यादा पैसा मिला ना मोदी जी के उस सम्मान जी, उज्ज्वला गैस से इनको ज्यादा गैस का चूल्हा न मिला, और तब भी और जनधन खाता में इनके इनके गरीब गरीब के खाते में उतना ही, जिसकी जितनी संख्या जी उसमें उतनी गरीबी, जिस जात में जितनी गरीबी, नरेंद्र मोदी के केंद्र के खजाना से उसके पास में उतनी राशि। बिल्कुल, और तब भी अगर
आज कोई धर्म और संप्रदाय के नाम पर नरेंद्र मोदी का विरोध करता है तो उसको विकास, उस समाज को विकास की बात करना करने से पहले पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हुकुमदेव जी, जिस तरीके से चुनाव के पहले तो सब कुछ ठीक था और चूंकि रामविलास पासवान जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं और बात तो की ही जाएगी क्योंकि राजनीति है और चुनाव है और उनके बेटे चिराग पासवान एक अलग धारा में चल रहे हैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से पहले एक साथ थे, सारी चीजें साफ साथ में हो रही थी, अचानक वो अलग हो गए और एक अलग तरीके से पूरे बिहार में चिराग पासवान अपना एक अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं एज अ बिहार के आप पुराने वरिष्ठतम हैं? इस वजह से देखिए, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू यादव सब तो रामविलास नीतीश और लालू दोनों से सीनियर थे। रामविलास 1969 में संसोपा से अलौली से एमएलए बने थे जी, और नीतीश और लालू नेता बने हैं 77 के 74 आंदोलन के बाद जी, छात्र आंदोलन से जी। लेकिन रामविलास और नीतीश कुमार सभी लालू के ही साथ थे जी, एक साथ चले। बाद में मैं 90 में विरोधी बन के निकला, ये लोग बाद में एहसास हुआ तो लालू का साथ छोड़ करके हटे जी। लेकिन अब व्यक्तिगत किस कारण से नीतीश के प्रति चिराग जी के मन में कोई दुख है मैं नहीं कह सकता। रामविलास जी को क्या तकलीफ हुई थी मैं नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं लगता है कि कोई, जिसको कहते हैं त्रिपाठी जी व्यवहार, बिल्कुल डॉक्टर लोहिया कहते थे कि नेतृत्व के लिए 5 गुण होना चाहिए। नए पीढ़ी के लोग सब सुने राजनीति वाले, एक है विद्या, एक है दौलत, एक है वाक्पटुता, एक है उनके पास में कौशल कार्य कुशलता जी, एक सबसे अंत में उन्होंने कहा था निभाने की क्षमता जी, निभाने। कांग्रेस में भी उस पीढ़ी में प्रणब बाबू के साथ वाले पीढ़ी में बहुत कांग्रेस के नेता थे जी, लेकिन विरोध के भी नेताओं के साथ वो बिल्कुल आत्मीयता का संबंध रख के निभाते थे जी। कर्पूरी ठाकुर विरोध में थे लेकिन दरोगा प्रसाद राय, रामलखन सिंह यादव और भी कांग्रेस के नेता थे, भोला पासवान शास्त्री, कई मंसारी, एक जो कांग्रेस में रहते हुए भी कर्पूरी ठाकुर के प्रति अपार स्नेह रखते थे, श्रद्धा भाव, कर्पूरी जी भी रखते थे। यही है निभाने की क्षमता। अब इस निभाने में परस्पर क्या हुआ वो तो व्यक्तिगत कारण है जी। चिराग जवान है, सोचा होगा कि अभी जवानी है, चलेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, उभर खाबर में जाएंगे, चोट लगेगी, अनुभव होगा, 10 बरस 15 बरस 20 बरस अभी उम्र है लड़ने का, सोचा होगा अच्छा चलो लड़के देखते हैं, अकेले लड़के देखते हैं जी। तो लड़के देख अनुभव प्राप्त करने के लिए गया है जी, अनुभव। लेकिन जी, मोदी जी के प्रति उसके मन में जो श्रद्धा सम्मान और निष्ठा है जी, ये बड़ी चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब तो दुर्योधन के साथ लड़ रहे थे ना, लेकिन उनके हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर भावना थी कि जीते पांडव जीते पांडव। उदाहरण दे रहा हूं जी, बिल्कुल। हो सकता है चिराग के मन में क्या है सो नहीं, मैं तो अपनी दृष्टि से देखता हूं, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, मैं अपनी आत्मा से देखता हूं जी, हो सकता है। बिल्कुल ठीक, चिराग भी उसी परंपरा से सोचता है, चलो विरोध करेंगे तो
करेंगे, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व राष्ट्र के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है जी। और मोदी जी के व्यक्तित्व की वो विरोध में रह के भी पूजा कर रहा है, सरकार सम्मान रखता है, वो भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है, अगर साथ रहते गठबंधन में तो और अच्छा होता जी, और अच्छा होता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी को भी उसके प्रति जिसको कहिए कि कोई क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यही चुनाव अंतिम नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक, इसके आगे भी हमारी यात्रा होने वाली, बिल्कुल ठीक। और फिर आगे की यात्रा में कहाँ मिलेंगे, कौन ठिकाना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तय है बिहार में जी, अलग लड़ने वाले भी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के नेतृत्व के प्रति आस्था रख करके, विश्वास रख के, श्रद्धा रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इससे बड़ी जीत क्या होगी साहब? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुकुमदेव जी, जिस तरीके से सभाएं हो रही हैं और सभाओं में मोदी जिंदाबाद और नीतीश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव के बाद परिणाम क्या होंगे यह तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक अनुमान और एक कल्पना की दुनिया का प्रश्न है, लेकिन मैं करूंगा जरूर आपसे, कि क्या ऐसी स्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक सीटों के संग जीतती है और इस बात को लेकर आवाज उठती है कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कोई चेहरा नजर आता है आपको भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जिस पर विश्वास किया जा सके? आप इसको इस तरीके से लीजिएगा कि एक मतलब भावी परिस्थितियों को के मद्देनजर एक सवाल है ये। देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति आने वाली नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये जो काल्पनिक स्थिति है, और राजनीति में कभी कभी संभावनाओं की पर विचार करते हैं, तो मेरी नजर में ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती है, बिल्कुल ठीक। मुझे तो एक लगता है कि कम या ज्यादा जी, लेकिन जो एनडीए है, एसएनडीए की जीत होगी, सरकार बनेगी, बिल्कुल अवश्य। लेकिन आपने जो कहा, तो मैं इतना विश्वास से जरूर कह सकता हूं जी, कि ऐसी स्थिति में चिराग पासवान आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कभी नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे जी। अब उस चौराहे पर क्या सोचेंगे वो तो समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है। आज ही मैं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी, जो बिहार के प्रभारी हैं, उनको मैं आज सवेरे फोन करके कहा जी, जैसा हाँ भी नकली मीडिया वालों की बात लोकल स्तर पर और उनकी बातें सुन करके मेरा खून खौल रहा है भूपेंद्र जी जी, ये क्या माई समीकरण 15 साल पहले की बात, एक जो है सो काल्पनिक बनाए हुए हैं, माने केवल मुसलमान ज्यादा होगा, माई माने बहुत कुछ निकलेगा जी, माई माने मेरा भी होगा, बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि लालू यादव का माई समीकरण माने मेरा समीकरण, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे चमचा के लिए, मेरे साथ लगे हुए बदमाश गुंडा आवारा सबके लिए, माई माने ये क्यों नहीं कहते, जो माई माने जोड़ देते हो मुसलमान यादव, तुम मुसलमान को कहो तो जाने मुसलमान, अच्छा लगे तो मान ले, लेकिन साहब माई के साथ जब कहता है माई माने मुसलमान और यादव, तो त्रिपाठी जी इस उस समय मेरा खून इतना खोलता है कि मुझे होता है कि मैं चक्र सुदर्शन उठा करके और ऐसे कहने वालों को गला काट दूं। अरे बाप,
बिल्कुल ठीक है, इस तरह की बात की ही नहीं जानी चाहिए। मुस्लिम यादव ये कोई समीकरण बनाने की चीज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तुम लालू के साथ जोड़ के तुम मेरे 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 रक्त को क्यों चुनौती देते हो? जी लालू यादव मेरे सगे संबंधी हैं, उनके बड़े भाई की बेटी और मेरे चचेरे भाई का विवाह है जी, इससे नजदीकी संबंध किसी का नहीं है जी। लेकिन साहब कृष्ण का तो अपना मामा था कंस, बिल्कुल ठीक है, उसके अत्याचार जुलूम का विरोध करके उसका वध किया कि नहीं किया? बिल्कुल ठीक है, ये राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म युद्ध है जी। हुकुमदेव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मोदी जी राष्ट्र के नेता हैं, निश्चित रूप से राष्ट्र के नेता हैं और हर प्रदेश में उनकी मांग है, उनको स्वीकार किया जाता है, तभी आज वो भारत की सरकार में प्रधानमंत्री है। मैं आपसे ये जानना जरूर चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बिहार में, क्योंकि बिहार के चुनाव पे हम आप बात कर रहे हैं, बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, एक विरोध का एक माहौल भी है, जो कुछ वर्ग है जो उनका उनको पसंद नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके कारण हो सकते हैं, एंडिंग एम्बेसी होती ही है। क्योंकि मोदी जी तो राष्ट्र के नेता हैं, लेकिन बिहार में चेहरा नीतीश कुमार है, तो किस तरीके से इसको आप समझते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर तो हाँ है और नीतीश के चेहरे पर लेकिन ना है, कहीं ना कहीं ये एक तस्वीर दिख रही है, इस पर आपका क्या कहना है? तो इसको क्यों नहीं आप सकारात्मक दृष्टि से हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी या नौजवान देखते हैं जी, कि हर प्रदेशों में जन आकांक्षा है, कि हर प्रदेश में लोग की इच्छा है कि मोदी के समान ही प्रदेश में कोई नेता बने, बिल्कुल ठीक है, ये उनकी आकांक्षा है जी, उनकी कल्पना है जी, उनकी कामना है। बहुत सही बात कर रहे हैं जी, अब बिहार की मिट्टी को चुनौती है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिहार के लोग गर्व से, अपने इस लोकतंत्र के गर्व से, बिल्कुल ठीक है, मोदी जैसा सर्वमान्य, कर्पूरी ठाकुर जैसा सर्वमान्य नेतृत्व पैदा करे, ये उनकी जिम्मेवारी है ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब वो जातवाद के पीछे दौड़ेंगे, जातीयता के पीछे दौड़ेंगे, वो अपने 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 राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए आतंकवाद, उग्रवाद, जातिवाद, आप समझिए कि अपनी सत्ता के लिए वो जयचंद बन जाएंगे, अपनी सत्ता के लिए वो मान सिंह बन जाएंगे जी, तो वो आत्मचिंतन, बिल्कुल ठीक है। हुकुमदेव जी, एक बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया, कहा कि पिछली बार जब मौका लगा था तो नीतीश चले गए थे लालू जी के साथ, इस बार भी मौका लगेगा तो हो सकता है फिर चले जाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि स्थितियां जो है वो सब एक साथ चल रही हैं, एनडीए मतलब वहां मोदी जी, उसको एनडीए का चेहरा मतलब मोदी जी, उधर नीतीश कुमार प्रदेश में, लेकिन बहुत बड़ा सवाल चिराग पासवान ने खड़ा कर दिया है, एक वैक्यूम है वहां पर, एक कहीं ना कहीं एक जगह बच रही है जिसमें चेहरा नजर नहीं आ रहा है, जो आपने कहा कि बिहार की जनता अपने गर्व से मोदी जैसा चेहरा पैदा करे, वो पैदा करने वाला जो मामला है वो चेहरा है कहां? है जी, है, कैसे नहीं है जी। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आपने जो कहा कि ऐसा चिराग सोचते हैं जी, तो मैं भी समाजवादी आंदोलन में से आया था जी, आज जब मैं भाजपा में आया तो बहुत दिनों तक लोग यही कहने वाले कहते थे कि हुकुमदेव जी तो समाजवादी आंदोलन से आए हैं, ये भाजपा में कितने दिन रह पाएंगे जी। लेकिन भाजपा में मैं, ये मेरा 28वां साल है भाजपा में जी। देखिए समय परिस्थिति, देशे काले चौपात्रे, समय और परिस्थिति जी, परिस्थिति ऐसी आई थी नीतीश कुमार ने 2010 के चुनाव में किया, 15 के चुनाव में उन्होंने किया जी, उन्होंने देखा जी, परखा,
मूल्यांकन करने में, विश्लेषण करने में उनसे गलती हुई। अब वो राजनीतिक पश्चाताप कर रहे हैं जी, नीतीश इस चुनाव में पश्चाताप कर रहे हैं, अपना परिमार्जन कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस चुनाव के बाद मैं ये क्यों नहीं मान के चलूं, हो सकता है कि इस चुनाव के बाद आगे चल के नीतीश आपका भाजपा में ही विलय हो जाए। देखिए हुकुमदेव जी, मान के चलने वाली चीज तो बिल्कुल मानी जा सकती है, और आप जिस तरीके से कह रहे हैं माना और भी जा सकता है, लेकिन जो आपने कहा कि वो चेहरा तो बनने वाली अब स्थिति बची नहीं है, वो चेहरा कैसे बनेंगे, कौन बनेगा, यह तो अब साफ नहीं है। आपने खुद कहा कि चैलेंज बिहार की जनता को है कि मोदी जैसा एक चेहरा अपने गर्व से पैदा करे। अब वो क्या स्थिति होगी, कौन सा चेहरा होगा, कब आएगा सामने, यह तो भविष्य के ही गर्भ में है। लेकिन अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं मैं कि जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा एक फोकस करके चलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप में वहां पर खड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना नेता वहां खड़ा नहीं होना चाहिए? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए जी। और मुझे विश्वास है, मुझे जी, कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकत है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ऐसे नेतृत्व हैं जी जिनको अवसर मिले आगे बुलाया जाए, हाथ में थमा भाजपा के लिए ही दो तिहाई बहुमत लेके बिहार में सरकार बनाने में सक्षम है। बिल्कुल ठीक, मैं कह सकता हूं पूरी ताकत से। लेकिन जी, लेकिन हो सकता है कि इस चुनाव के बाद भाजपा का क्या कहते हैं कदम उसी दिशा की ओर बढ़े। बिल्कुल ठीक है बढ़े। दूसरी बात, आपने कहा कि दिखाई नहीं पड़ता, कर्पूरी ठाकुर जब बावन में चुनाव लड़े थे ताजपुर से, तो किसने सोचा था कि यही एक दिन बिहार का चंद्रगुप्त बनेगा। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे जी, बाद में चुनाव लड़े जी, किसने सोचा था कि यही एक दिन भारत का चंद्रगुप्त बनेगा। बिल्कुल ठीक है समय की बात है, पुरुष बलि नहीं होते, समय होत बलवान। बिल्कुल ठीक है, लाइए निकालिए, अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी संख्या है जी, अति पिछड़ा वर्ग है, उनमें से जो प्रतिभाशाली है उनको खोजिए, अवसर दीजिए, जो मोदी जी करने लगे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन साहब 6-7 साल में कितना कर लेंगे, ये 5000 बरस की जो बीमारी है भारत में वो 6 बरस में कोई इलाज कर देगा? डॉक्टर लोहिया कहते थे कि हजारों साल की बीमारी के इलाज करने के लिए भी 50-100 बरस चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है ये तो राह मोदी जी बना रहे, इस राह पर चलने वाला फिर कोई आगे आएगा, वो ध्वज लेके आगे चलेगा जी। उसी तरह बिहार के अंदर जो पिछड़े वर्ग में जो है लोग, वो पिछड़े वर्गों में से नेतृत्व को निकाल के लाना पड़ेगा आगे। भारत में है तो राम कृष्ण शिव तीन त्रिदेव है ना जी, लेकिन कहते हैं ना जो 33 कोटि देवता है। बिल्कुल ठीक है, तो भाई राम कृष्ण शिव है, ये तीनों को पूजिए, 33 कोटि देवता क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? उसी तरह से ये हिंदुस्तान के अंदर जो जाति प्रथा है, इसके जब तक ये जाति प्रथा है इसका समूल नाश करना चाहिए। जब तक ये जाति प्रथा मिटेगी नहीं तब तक तो भारत का अभ्युदय कायाकल्प होने वाला भी नहीं है। लेकिन जब तक ये जाति प्रथा है तब तक उन जातियों के समूह में से जी नेतृत्व को लाला के बैठाना पड़ेगा। उसको कहते हैं लोक देव।
जी। आ जब अनेकों लोक देव बनेंगे तब एक राष्ट्र देव बनेंगे। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनेकों लोक देव के आने पर एक राष्ट्र देव बनेंगे जो अनेकों लोक देव को अपने में समाहित कर ले। जी कर ले, तब वो वेद का मंत्र आ जाएगा। त्रिपाठी जी मैं समापन करता हूं, जो वेद के उस मंत्र पर हम पहुंच जाएंगे। एकम सद विपरा बहुधा बदंती, क्यों कहा एकम सद विपरा बहुधा बदंती? जी उसी तरह लोकतंत्र में लोकदेव, जी लोकदेव से बनेंगे राष्ट्रदेव। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रदेव से बनेंगे विश्वदेव। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वाह क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। हुकुमदेव जी आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमसे बहुत सारी बातचीत की, बिहार राजनीति को लेकर बातचीत की, चुनाव को लेकर बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में आने वाले भविष्य को लेकर बात की। आपने बताया कि किस तरीके से एक मोदी जैसे नेता की जरूरत है बिहार में, और बिहार की जनता को चाहिए कि अपने गर्व से वैसा नेता पैदा करें। आपने हमसे बातचीत की हुकुमदेव जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।